रोडे इसको देखो, टट्टी टच कर कुंडे है ना, कुंडे तो वहाँ पर जो उबलता है तो उसे क्या शुभ माना जाता है। तो पहाड़ों के बीचों में भाई इतनी मस्त मस्त दुकान है, देखो डिजाइन कर रहे हैं। आजकल के टाइम में ऐसे कला बहुत कम देखने को मिलता है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। एंड हमारा डे 5 है मनाली में। बेसिकली हम अभी कैंप में रुके थे कल, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ठंडा बहुत था भाई, लिटरली बताऊँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भाई पतले बहुत पतले, इनसे ना हवा बहुत घुस आ रही थी है ना, तो इजीली आ रही थी, पास हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगा। और पता है अभी अभी हम पानी टच करें ना भाई, वहाँ भाई सब हालत ख़राब हो रही है भाई, इतनी ठंडी पानी लग रहा है कि हाथ जम जाएंगे है ना। तो यार बहुत ज़्यादा ठंडा है। और इसी के साथ आपको एक बार बाहर का माहौल दिखा देता हूँ। सुबह मतलब अंधेरे में तो भाई आप लोग ने देख ही लिया था, अब एक उजाले में भी देख लो कैसा दिखता है ना। देखो यहाँ जंगल है, एक छोटा सा घना जंगल है ना। तो इधर के साइड एक कैंप लगे हुए हैं, देखो ये, देखो ये कैंप लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। बढ़िया, नींद आई अच्छे से? ठंडी नहीं हुई? इधर देख सकते हो, ओवरऑल कैंप यही रहा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भी है, हम मज़े किए, रात के 3 बजे तक जगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़े भी किए, मज़ा भी आया, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा ठंडा भी काफ़ी फेस करना पड़ा है ना, तो कोई नहीं यार, बट काफ़ी मज़ा आया है। ऑलमोस्ट यार रेडी हो चुका हूँ मैं है ना जाने के लिए। अभी कपड़े वपड़े पहन लिया, जूते पहने रह गए हैं, अभी मतलब निकलेंगे, पर पहले खाना खाने चलते हैं। सब निकल के खाना खाने भी चलते हैं, खाना खाना खाने है ना। मेरे पंटर लोग इधर बैठ चुके हैं, तो हमारे खाना का मेन्यू आज कुछ इस तरह का है, ब्रेकफास्ट ये उस तरीके से। आओ भाई डॉग देखो कितना प्यारा कुत्ता है भाई, देख रहा है, खिला दो यार, कितने बेशरम इंसान हो यार। ब्रेड अपने खाने के बीच में कभी नहीं देता डॉग मुझे, देते भाई। सो अभी खाना वाना सब कुछ होने के बाद अभी जा रहे हैं फिलहाल जंगल की ओर, थोड़ा नदी देखने के लिए है ना। जंगल भी क्या मस्त है हमारा ऊपर, तो ये देख सकते हो नदी कितना मस्त लग रहा है भाई, नदी का किनारा इधर देख सकते हो, यू कैन सी गाइस। तो इधर भी देख सकते हो है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है लिटरली बताऊं तो। तो गाइस तो हम अभी उधर से निकल के सीधा अभी घर की ओर जा रहे हैं है ना, खाना रख रहे हैं सभी लोग मिलके। तो नैनी कहा फ्री है भाई, सामान बहुत उठा के लेके आए ना, इसीलिए मणिकरण और मॉल रोड कसूल वाला घूम के जाना है ना, तो 5 बजे फिर घर के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल सीधा दिल्ली चलते हैं मणिकरण। So guys, अभी हम जा रहे हैं मणिकरण, तो यहाँ से हम निकल चुके हैं वैसे कैंप से है ना, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, एक्साइटिंग है ना, एक्साइटिंग फेस लेके जा रहे हैं मणिकरण। सो फाइनली गाइस तो हम आ चुके हैं अभी मणिकरण। तो यहाँ पर यार मैंने जो सुनने को देखा है, मिला है एक कुंड है जहाँ से मतलब गर्म पानी रहता है 24 घंटा है ना, तो लेट्स सी जाके देखते हैं यार होता है ना एग्जैक्टली। बट यहाँ की व्यू देखो गाइस, आउटस्टैंडिंग है लिटरली बताऊँ, कितनी मस्त तरीके से दिखता है ना। तो आपको देखो ये मणिकरण, ये मणिकरण एरिया है, बट मणिकरण गुरुद्वारा वहाँ पर गुरुद्वारा है पूरा जो दिख रहा है ना पीला पीला, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। तो विदाउट डिले चलते हैं मणिकरण गुरुद्वारा, जल्दी आओ। तो इधर का ये वन ऑफ द फेमस टेम्पल या राम मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, और मणिकरण गुरुद्वारा बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है ना। दोनों CR जा रहे हैं भाई, देख सकते हो इधर से। तो गाइस ये है मणिकरण, तो वो रहा गुरुद्वारा, वो रहा कुंड जहाँ से देख सकते हो वहाँ धुआं, वहाँ से जो धुआं आ रही है ना वो कुंड है, वो गर्म पानी निकल रहा है 24 घंटा वहाँ से। तो लेट्स वहाँ जाके देखते हैं उसका एग्जैक्टली है क्या है ना। केवल गुरुद्वारा साहिब में ठहरे हुए यात्री के लिए मुफ्त पार्किंग। तो इधर से गुरुद्वारा रोड है, इसको देखो टट्टी टच कर तो ये देख सकते हो, ये मेन गेट है गुरुद्वारा का। तो हम अभी गुरुद्वारा के पास पहुँच चुके हैं, तो ये भी गुरुद्वारा का, ये भी गुरुद्वारा, ये देख सकते हैं गुरुद्वारा का एंट्री गेट, यहाँ पर सब यही है क्या कुंड गाइस, देख सकते हो ये गर्म कुंड है, तो यहाँ का पानी देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हम देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि गर्म नहीं है, बट एग्जैक्टली गर्म है, देखो कितना वो आ रहा है, भाप आ रहा है इसकी, जो गर्म होते हैं ना गर्माहट हमें आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है ये पानी। तो आपको टच करके दिखा देता हूँ, देखो देखो इसकी धुआं धुआं जा रही है ना, देखो इतना गर्म पानी है, आप ज़्यादा भीड़े देख सकते हो इधर। ये जूता घर जिसमें हम जूते उतार के यहाँ रख के जाएंगे, बिकॉज यार अंदर जाने से पहले जूते उतारना होता है गुरुद्वारा में,
तो कहीं पर भी है मंदिर और गुरुद्वारा, जूते तो उतारने ही उतारने भाई, तो हम जूते रख रहे हैं, भैया हेल्प करें जूते रखने में हमारे। गुरुद्वारा के अंदर हॉट केव, ये है हॉट केव, देखो इसे जाते हैं कैसे हॉट केव है। भाई ये क्या है, घुसने की जगह इतनी छोटी, भाई साहब भाई हम लावा के ऊपर बैठे हैं, बहुत छोटी जगह है। अच्छा अच्छा, देख सकते हो यहाँ आए, यहाँ देख सकते हो इतनी छोटी सी जगह से आए, ये जगह जितना नाम पे लिखा है हॉट की रियल में उतना है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हो इसकी जमीन भाई है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो देख सकते हो अभी गुरुद्वारा के अंदर आ गए, तो अभी हम गुरुद्वारा के अंदर आए सबसे टॉप फ्लोर में जहाँ पर वर्शिप हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं राहुल अवेद, इधर देख सकते हो भाई। तो हमने भी खाना वाना खा लिया, मंदिर जाएंगे पूजा वूजा करेंगे, तो ये देख सकते हो यार अभी मंदिर की ओर जा रहे थे तो कितना अच्छा बाजार मिल गया यार। तो अब ये मंदिर कौन से मंदिर गए ये समझ में नहीं आ रहा, शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। देख सकते इधर भोले बाबा का मंदिर कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, ये क्या है, ये प्रभु की लीला है, मतलब है क्या एग्जैक्टली, ये पानी गर्म पानी निकल रहा है अपने आप ही कुदरती, हाँ वो तो समझ गया, ये थैला क्यों, इसमें जो डालोगे उबल जाता है, चावल डालेगा थैली में चावल है छोले हैं ओके उबल जाते हैं, ठीक है ठीक है, उबल गए चाहे उबल गए उबल गए, तो यहाँ एग्जैक्टली क्या है कि थैले में हम कुछ भी डालते हैं तो नीचे वो गर्म पानी है कुंड है ना, तो वहाँ पर जो उबलता है तो उसे क्या शुभ माना जाता है, तो जो उबलता है उसे शुभ माना जाता है, तो ये खासियत ये शिव मंदिर का। गुरु मणिकरण साहब का देख सकते हो भोले बाबा की क्या मस्त से मूर्ति है भाई, देख लो इधर भी सेम वही है, महादेव हर हर महादेव, देखो को देख, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं लोग, देख सकते हो यहाँ मार्केट घूम रहे थोड़ा सा हमारे, ये देखिए प्राचीन राम मंदिर, तो हम अपने रघुनाथ के दरबार आए आज, तो अभी हम राम मंदिर आए थे भाई, तो राम मंदिर में हमने पूजा वूजा किया थोड़ा, हमें मतलब प्रे किया, और फिलहाल इसके साथ ही हम जा रहे हैं घर की ओर है ना, घर की ओर बेसिकली गाड़ी की ओर जा रहे हैं, व्यू देखो इतना अच्छा भाई साहब, देखो अंदर से और एस्थेटिक देखो बाहर से, एस्थेटिक लुक देखो कितना मस्त बना रहे, हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं कितना अच्छे हैं है ना, भाई कितना मस्त तरीके से देखो यार भैया ना क्या वो डिज़ाइन कर रहे हैं लकड़ी के ऊपर, बहुत मुश्किल काम होता है ये सबसे बड़ा, पर भैया देखो भाई पूरा सिमिलर चीज़ को मेंटेन करते हुए देखो कितना मस्त तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, आजकल के टाइम में ऐसे कला बहुत कम देखने को मिलता है भाई, तो भैया के लिए लाइक कर दो सच में भाई। तो अभी हम जूते ले रहे हैं जैसे भैया जूते दे दीजिए वो ब्लैक कलर के शूज, द टूल ऑफ मेडिटेशन, वो बूट दे दीजिए बूट, ये रहे बूट, धन्यवाद चाचा जी सर, कोने में ऊपर कोने से ऊपर इधर देख सकते हो। तो हम निकल रहे अभी बस की ओर, तो उससे पहले एक घंटी उसके अंदर तो घंटी नहीं दी यार, इसे थोड़ा बैग ले जाए एक है ना, थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट करके तो दीदी ने दे दिया, एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपको बहुत याद करूंगा मैं, वैसे यही बैग है बस इसी कलर में और इसमें कौन कौन सा। सो अभी हम आए हैं इधर मतलब कसोल मार्केट में, रुके हैं बेसिकली, ये भी एक मॉल रोड की तरह ही है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग आइटम मिल रहे हैं ना ये खरीदने के लिए, अभी मैं और राहुल उतरे अभी धीरे धीरे और बच्चे भी उतरे, तो इधर देख सकते हो यार पहाड़ी आइटम और ये झालर वगैरह घर को डेकोरेट करने के लिए, और इधर देख सकते हो और बहुत बड़ा मार्केट है यार, ये रे शॉल, तो देख सकते हो भाई क्या मस्त लग रहा है ना, इधर देख सकते हो यार, तो पहाड़ों के बीचों में भाई इतनी मस्त मस्त दुकान है, देखो मजा यार मजा आ जाता है भाई ऐसे देख के।
पेंटिंग इधर, कितना मस्त पेंटिंग बनाया हुआ है, देखो पेंटिंग है शॉप, बस आप टिकटो छाप दिए पेंटिंग। सो ऑलराइट गाइस, तो अभी भी हम कसूर मार्केट में, बेसिकली यहाँ ना भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लिटरली कपड़ों के ना इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना भाई, मैं तो सोच रहा हूँ एक दो ले ही लूँ यार, बट क्या करूँ यार, बजट ना ढीला पड़ जाता है यार इसके लिए, नहीं भाया अभी इतना है नहीं यार। और इधर देख सकते गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपोजर दिया है इन सबका, देख सकते भाई ना, और इधर भी भाई क्या मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हैं ना ये यहाँ पर भाई, सब ऐसा लगता है ना सब एक मुट्ठी में भर लूँ और अपने घर लेके जाऊँ, पर पैसे यार क्या करें यार, यही होता है दिक्कत है। तो काफ़ी पैसे हमने दो चार दिन के ट्रिप में ख़त्म कर दिए हैं, अब बचे कुछ भी नहीं रहे, तो अब घर वालों को क्या ले जाएं ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ उनके लिए भी बना नहीं है ना, लस्सी देख रहे यार है ना। तो ऑलमोस्ट मार्केट वार्केट तो करके ख़त्म हो गया है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, जो लेना था क्या है देखो लेना है, मैंने तो कुछ नहीं लिया, इधर बैठ के मोमोज खा रहे हैं यार, हिमाचल के मोमोज फिर चख रहे हैं, सुबह चिकन मोमोज है, पर मैं तो नहीं है, मैं वेज खा रहा हूँ, ये लोग चिकन खा रहे हैं, नेपाली दीदी लोग दीदी भैया हैं जो यहाँ चिकन मोमोज वेज हैं, तो आप लोग भी कभी हिमाचल आओ तो इनके यहाँ आओ यार, खाओ मोमोज है ना। तो इन सब इधर देख सकते हो मस्त तरीके से बना रखा है देखो, तो शॉपिंग कर करके देखो अंदर आओगे, इधर मस्त तरीके से देख सकते हो व्यू, और देख सकते हो इधर कसोल रात का व्यू भाई। शॉपिंग करते करते थोड़ा अंधेरा हो गया, तो अभी बस के पास जाने है ना, तो यार मोमोज खा लिया ना, मिर्ची लग गई यार। सो गाइस, तो अभी हम खाना खाने उतरे हैं, यहाँ देख सकते हो है ना 777, देखो 777 ढाबा का नाम है ना, और फिर यहाँ पर अभी देख क्या कैसे मिल रहा है, मेरे जब में तो पैसे नहीं है, राहुल बोल रहा है कि डाल दूंगा, लेट्स सी देखते हैं यार वो डालता है या नहीं, पर मेरे पास तो एक रुपये नहीं है भाई। चलो चलते हैं अंदर एक 777, तो यहाँ बैठ के कुछ खाने के इस तरीके से। हाँ तू मजाक उड़ाने मेरा ब्लॉग का, एक दिन देख लिया भाई, फोटो खिंचाने लाइन लगेगा। तो देख सकते हो हम मस्त तरीके से आग सेक के बैठ रहे हैं, यहाँ ये फोन चला के बैठ रहे हैं, मस्त तरीके से इडियट मतलब क्रिकेट देखते देखते आग सेक रहे हैं, तो मस्त तरीके से टीवी में चल रहे हैं क्रिकेट, और इधर हमने खाना ऑर्डर कर लिया है, हमारा खाना आ चुका है, तो हम पांच ही लोग के लिए ये सब। तो फाइनली गाइस, तो अभी रात के 6 बजे है ना, तो सुबह के 6 बजे हम उतर चुके दिल्ली, अभी हमें रोहिणी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 और 19 में, और कुछ बच्चे रह गए जो हमारे साथ मेट्रो में जाएंगे ना। तो हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत मज़ेदार रहा है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत देखने को मिला है ना, बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है ना, जो हमारे अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ है ना शेयर करने लायक भी कुछ हमें एक्सपीरियंस रहा है ना, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसी उसके साथ हम मनाली ट्रिप एंड करते हैं, तो मिलते हैं गाइज़ हमारे नॉर्मल व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।